अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मियाँ वाली कच्चे इलाके के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो गंदम की फसल है वो तकरीबन पकने वाली है, तो उसको जाके एक्सप्लोर करेंगे और मुख्तलिफ जो दूसरी क्रॉप्स हैं फसलें उनको एक्सप्लोर करेंगे और जो वहाँ पर जो डेरा जात हैं उनको भी जाके देखेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे। तो चलते हैं और अपने सफ़र का आगाज करते हैं। जी तो गाइस, हम जो है वो सफ़र पर रवाना हो चुके हैं और ये सीन्स आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव के साथ एक विलेज है, उसका नाम है हिरणों वाली मांडी, तो ये उसके सीन्स हैं। और उसके बाद ये जो मनाजिर देख रहे हैं ये है जी थल कनाल विलेज, जिससे मियाँ वाली को पानी सराब होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो आगे जो गाँव है वो है जी ढेर जारू वाला, और इसका जो अब आप रेत देख रहे हैं ये रेत बहुत कम है। पहले जहाँ पे किसी ज़माने में रेत के जो है बहुत बड़े टीले हुआ करते थे, तो अब जो है वो रेत चूँकि सप्लाई की जाती है तो अब जो है उसका उनका जो है वो वजूद भी नहीं है। ये लास्ट गांव है, इसके बाद जो है वो मियाँ वाली का कच्चे का इलाका शुरू हो जाएगा। तो फिर जो है मैं आपको दिखाऊँगा कि गंदम जो है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए और बहुत सी दूसरी फसलें भी आपको दिखाएँगे। ये हैं जी रोड्स और इनकी मखदूश हालत आपके सामने ही है। दिस इज़ आई थिंक द बाउंड्री ऑफ दिस विलेज, और इसके बाद जो है यहाँ से जो है कच्चे का इलाका मियाँ वाली का जो है वो शुरू हो रहा है। जी तो दोस्तों, हम जो है कच्चे के इलाके में एंटर हो चुके हैं और मेरे ख्याल में मियाँ वाली में सबसे ज़्यादा जो गंदम एक जगह पे काश्त होती है तो वो यही इलाका है। रोड्स की हालत तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ कि बहुत मखदूश हालत है, लेकिन कल जो बारिश हुई है उसकी वजह से पानी खड़ा हो गया है जो कच्चा रोड है उसके ऊपर, और इस वजह से थोड़ा जो है मोटरसाइकिल के ऊपर थोड़ा सा टर्न करना पड़ता है। जो फसल है जैसे कि आप देख रहे हैं कि गंदम की, उसकी तरफ थोड़ा साइड से होके जाना पड़ता है ताकि बंदा कीचड़ से बच सके और मोटरसाइकिल जो है वो स्लिप ना हो सके, थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है इस वजह से। ये है जी नाले का पानी, और यहाँ से बाज़ुकात कभी कभी मछली आ जाती है तो वो भी पकड़ी जाती है, लेकिन अभी इस सूरत हाल में मोटरसाइकिल का दो बंदों को इस पानी में से लेके जाना मुमकिन नहीं, तो मुझे उतरना पड़ेगा और मामू जो है वो अलहदा लेके जाएंगे मोटरसाइकिल को दूसरी साइड पर। बहुत ही खूबसूरत बादल हैं दोस्तों, कल बारिश हुई है, अगर आपने नोट किया हो तो बहुत ही फैसिनेटिंग जो है खूबसूरत इनका अक्स बन रहा है पानी के अंदर। अगर आपने नोट नहीं किया तो आगे पानी आएगा तो आपने लाजमी नोट करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको जो मैं गंदम दिखाने लाया हूँ आज यहाँ पे और दूसरी फसलें, तो हो सकता है आपको उससे भी ज़्यादा ये फैसिनेट करें। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ इस ये जो गंदम आपको नज़र आ रही है उसकी बढ़ोतरी या उसकी ग्रोथ के बारे में कि वो किस तरीके से होती है। तो जनाब, चूंकि मियाँ वाली में जो मगरब की साइड है वहाँ पे दरिया सिंध लगता है, तो दरिया सिंध जो है इस ज़मीन जो कच्चे की ज़मीन है इसकी नमी का जो है वो बायस है। जब भी मतलब पानी ज़्यादा होता है उसके अंदर दरिया के अंदर, दरिया सिंध के अंदर, तो वो यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, तो उस वजह से जो ज़मीन है इसके अंदर जो नमी जो है वो बरकरार रहती है। दूसरा सोर्स इसकी नमी का ये है कि वो जी है बारिश का पानी, अगर बारिशें होती हैं तो वो भी जो है इसकी नमी का जो है वो बायस बनती हैं। तो कोई भी फसल जो जिसका सीज़न हो, मौसम हो, तो उसको अगर उगाया जाए तो वो यहाँ पर जो है वो होती है, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो लोग यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं काश्तकारी, तो फसलें जो है वो उगा सकते हैं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट जो अगर आप देखें वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता सैलाबी सूरत हाल जो आपने फसल उगाई है उसी मौसम के दौरान होती है, और आपने अगर फसल नहीं उठाई उसको, यानी कि उसकी पैदावार हासिल नहीं की, तो आपकी जो सारी की सारी मेहनत है वो पानी की नज़र हो जाएगी। और जहाँ पे अभी आपको ये गंदम नज़र आ रही है यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ पानी नज़र आएगा अगर खुदा ना खास्ता सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाए तो। तो आगे चल के मैं आपको अपनी ज़मीन दिखाऊंगा कि वहाँ पर भी कैसे पानी नहीं ना, एक किस्म का वो जैसे झील बनती हैं, आर्टिफिशियल झील होती हैं, तो ऐसे लगेगा कि आपको नेचुरल झील है कि ऐसे पानी खड़ा हो जाता है और पानी जो है वो ज़मीन को कैसे काटता है, तो वो आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा। काश्त की गई है इनिशियल डेज में, इसलिए आपको उधर से कुछ नहीं मिलेगा अभी देखने को। जो अभी तक जो सबसे ज़्यादा जो मुझे गंदम पसंद आई है तो वो जनाब ये गंदम है, पता नहीं ये किसकी है, लेकिन अगर बंदा देख के कहे कि यार खूबसूरत है, खुशी बल ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी पैदावार होगी, तो जनाब ये वो गंदम है, पिक ऑफ दी गंदम फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। ये ज़मीन में थोड़ी सी आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह की है, ये इधर देखें आप, एक लाल होती है, एक होती है रेतली, ये थोड़ी सी वो क्या कह लें जो चिकनी होती है मिट्टी, ये उस तरह की जो है ज़मीन है, ये देखें
खूबसूरत परिंदे उड़ते हुए, और जो मेरे चारों तरफ जो है ये गंदम आप देख ही सकते हैं, खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें। और ये साइड भी आप देख रहे हैं तो ये जो है हमारी थोड़ी सी ज़मीन है, जैसा कि आप देखें तो जी। तो दोस्तों मैं अपनी ज़मीनों की तरफ पहुंच चुका हूं, ये हमारी थोड़ी सी ज़मीन है और ये जो आप पानी देख रहे हैं आपको झील नुमा आपको नज़र आ रही होगी ये चीज़, लेकिन ये जनाब ये है ज़मीन का कटाव जो कि पानी की वजह से होता है। तो जो पानी आता है पानी चीर के रख देता है इस ज़मीन को और एक किस्म का पानी जमा हो जाता है और एक आपको नज़र आता है जैसे झील बन चुकी हो। और ये पानी हमेशा रहेगा, एक ही साल तक रहेगा, दो साल तक रहेगा, यानी कि ये ऐसे नहीं होता कि जैसे हम कहते हैं कि वो एवेपोरेट होकर चला जाए। ये हर साल जब भी ये सैलाब या कोई किस्म की सूरत हाल होती है तो ये पानी रहता है और ये जो झील की शक्ल है इस तरह रहती है और ज़मीन होती है वो हर साल इस तरह जो है वो कम से कम होती जाएगी। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था कच्चे के इलाके में, तब जो कटाई थी गंदम की वो जा रही थी, तो उस वक्त ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है एक झील बन चुकी है अभी इस वक्त, तो वो एक छोटा सा जैसे तालाब होता है तो उसकी उसका साइज उसकी तरह का यानी कि इसका साइज़ था। और अब आप देखें तो ये आपको मुकम्मल एक झील की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस तरह होती है यानी कि कटाव ज़मीन का पानी की वजह से। बाहर से राउंड लगाने के बाद हम जो है इस जो खेत थे गंदम के उसके अंदर एंटर हुए और मामू ने फिर जायजा लेने के लिए कितनी देर लगेगी यानी कि जो हार्वेस्टर लगानी होती है गंदम को निकालने के लिए, तो उसको जानने के लिए उन्होंने एक जो खोशा होता है उसको मसल के फिर चेक किया और कुछ के उस उनकी जो गंदम है उसके अंदर से कुछ जो दाने थे वो अभी यानी कि खुश्क नहीं हुए थे, थोड़े से यानी कि गीले थे, यानी कि अभी गंदम मुकम्मल तौर पर नहीं पकी थी। तो अभी 4-5 दिन तक उन्होंने कहा था ये अभी हम वेट करेंगे फिर उसके बाद जो है लगाएंगे हार्वेस्टर। जी तो जनाब ये है जी पिछले दिनों जो जालाबारी हुई थी उससे होने वाला नुकसान, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम के खोशे हैं उनमें से जो दाने हैं वो नीचे गिरे पड़े हैं और कुछ जो खोशे हैं वो भी यहाँ पे टूटे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई थी उसमें भी ऐसे ही था, उसमें तो खोशे ही बिल्कुल टूट गए थे। इसके बाद जब मैंने मामू से पूछा कि ये जो गंदम लगी हुई है तो कितनी कनाल है जो कितनी जमीन हो तो उसे कितनी बोरियां होती हैं तो उसका क्या रेशियो है, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन जो 30 जो कनाल होती है उससे तकरीबन 50 से लेके 60 तक जो है ये होती है गंदम की बोरियाँ और मैक्सिमम अगर हो तो वो 70 तक जा सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हो तो। ज़िंदगी का भी कसम से अपना ही मज़ा है, ना कुछ शोर ना कुछ शराबा, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हैं और बिल्कुल सुकून ही सुकून है। ये देखें इस तरफ गंदम है, चारों तरफ तकरीबन गंदम ही गंदम है और कोई सिर्फ फारक जगह नहीं है। डेरे बने होते हैं जैसा कि वो देखें वो एक डेरा है, इसी तरह वो सामने एक डेरा है सफ़ेदों वाला, उसके बाद एक डेरा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को और ये जो एक डेरा नज़र आ रहा है आपको, हमने अभी इस तरफ जाना है यहाँ पे थोड़ा सा जाके थोड़ी मीटिंग करनी है मिलना है, और ये भी एक डेरा है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये बंदे रखते हैं और उनको जो है फिर ये जिम्मेदारियाँ देते हैं यहाँ पे इसकी
यहाँ पे गंदम वगैरह की उसकी देखभाल वगैरह के लिए। यहाँ पे ये तितली घूम रही है, क्या बात अभी क्या बात है, क्या बात अभी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये है जी अमरूद का दरख्त, उसके साथ जी है ये भी है अमरूद का दरख्त, छोटे छोटे लगे हुए भी हैं इसके ऊपर, ये देखें आप ये लगे हुए हैं छोटे छोटे। इसके साथ ये जी है मिर्ची लगी हुई, अभी नहीं लगी लेकिन ये उसका जो है वो छोटा सा एक पौधा है मिर्चों का। ये भी अमरूद, तीन चार जो है इसके पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देख ये भी अमरूद। ये है जी टाली, शीशम के दरख्त, नल का हैंड पंप या हम इसको धोएंगे अमरूद को और फिर जो है वो खाएंगे। धुल गया वो मशीन पूजा पे आया उधर मखान कल तो शायद तो परसों आया सोन उन्हीं आखिया ने जी। तो दोस्तों बाग तो मैंने आपको दिखा दिया, अब इनका जो छोटा सा बना हुआ एक घर है जो कोठी है वो दिखाते हैं। ये जी 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 जनाब यहाँ पे ये LCD भी लगी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जनाब ये LCD अगर आपको नजर आए पीछे से शायद नजर आ जाए, ये खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे इनका, ये देखेंगे बाकी ये बारदाने का सामान पड़ा हुआ है वो, ये बारदाने का सामान, ये हल जरा पिंजर, ये है जी मशीन कुत्तरे वाली, यहाँ पे घास काटा जाता है, ये भी पीटर के ऊपर चलती है, ये देखें तेल के ऊपर।
यहाँ पे मवेशी बंधे हुए हैं, ये देखें। आम हल जो कि हल लगाते हैं हम खेतों के अंदर वो है। उसके बाद ये एक स्पेशल हल है जो लगाया जाता है खेतों के अंदर। और इसके बाद ये है जनाब, ये है जी ब्लेड, जगह बराबर करने के लिए, मिट्टी उठाने के लिए लगाया जाता है इसको। उसके बाद ये है ये सफेदे के दरख्त, लंबे तलंगे। और ये है जी घास यहाँ पे जो की हुई है, उसके पीछे जो है वो गंदम है। और ये है जी कौवे कैं 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 करते हुए, डिश लगी हुई है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं। अंदर मैंने आपको पहले LCD लगाई, तो उस डिश की मदद से जो है उसको चलाया जाता है। ये तो सीरी गंजी थे, ये बटेरी अच्छा चलो ठीक है मामा बता यार आने में। जी तो दोस्तों अब जो है हम इजाज़त ले चुके हैं वहाँ से, और ये है हमारी वापसी का मंजर। बादल जो है वो घेर चुके हैं मुकम्मल सूरज को, और सूरज जो है वो गरूब होने के करीब भी है। तो अब जो है हम अपने वापसी की तरफ रवाना दवा हैं। वही रास्ते की मुश्किलात हैं, वही जहाज है, और वो घर की तरफ रवा दवा है। मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने बताना है कि आपको कौन सी चीज़ जो पसंद आई है, और आपको अगर ये पसंद आई है तो क्या आप आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें विलेज लाइफ को देखना चाहेंगे या नहीं, और इसके अंदर कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ गलत थी, कौन सी मिस्टेक थी, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।